है जब तक मेरे को ठीक नहीं लगेगा तब तक मैं नहीं कर पाऊंगी। हाथ धो, हाथ धो जल्दी से, हाथ धो। हाँ स्वेटर पहन क्या फूर्ती से। तो फ्रेंड्स मैं नहा कर आ गई हूँ और मैं हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज पहली बार मैंने श्रेया को ऑन कैमरा बहुत डांटा, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो पर। क्या मैं सही हूँ ये बताइएगा। श्रेया बहुत प्यारी दाल बघार के गई है और उस वो बोल रही है मम्मी चावल बना दो, पर मैंने कहा कि चावल नहीं बनाएंगे क्योंकि खांसी में थोड़ा बहुत लापरवाही करी ना तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं चावल नहीं बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स मैं अभी श्रेया की खांसी को लेकर बहुत परेशान हूँ। बहुत टाइम हो गया और उसकी खांसी ठीक नहीं हो रही। मैं हर चीज़ यानी कि उसको दे रही हूँ, हर परहेज करवा रही हूँ उससे। अगर वो नहीं भी मानती है तो भी मुझे डराकर उसे परहेज के लिए फोर्स करना होता है कि नहीं तुम गरारे करो, गर्म पानी पियो। वो बहुत यानी वो परेशान हो गई, उसको भी गर्म पानी अच्छा नहीं लगता होगा, समझ रही हूँ मैं। पर कुछ दिन तो करना होगा जब तक ठीक नहीं हो रहे हैं हम। तो मैं इसी कारण से, उसने देखा है कि मम्मी भी बीमार पड़ी हुई तो वो मेरी मदद करवाती है ठंडे ठंडे पानी में काम करना। मैं उसे बहुत मना करती हूँ, आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज खाएंगे दाल रोटी। श्रेया जब तक नहा कर आएगी, आज मुझे ठीक लग रहा है क्योंकि 3 दिन से तो मैं बीमार थी, जो भी मेरे पास दवाइयां थी वो खाती रही। कल पूरे दिन भर बेड पर थी और दवाइयां भी लेकर आई, पर उन दवाइयों से आराम लगा मुझे और आज मुझसे चलते भी बन रहा है। 3-4 दिन तो सच में अजीब ही लगा था मुझे। तो अब मैं ढेर सारे कपड़े भी धोकर आई हूँ अभी और खाएंगे हम दोनों माँ बेटी दाल रोटी। बोलते हैं ना, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तो फ्रेंड्स ढेर सारे बर्तन हो गए थे, अभी मैं बता दे रही हूँ लास्ट में क्योंकि आप लोगों को नहीं समझ में आएगा कि मैं उसे डांट क्यों रही हूँ। ढेर सारे बर्तन हो गए थे, वो किचन में गई। मैंने उसे किचन में कुछ और के लिए भेजा था किसी और काम से, पर वो ना बर्तन धोने लगी थी। तो मैंने बोला कि भाई बर्तन क्यों धो रही है, पर वो मान ही नहीं रही थी, हट ही नहीं रही थी और खांसे पड़ी थी और ठंडे ठंडे पानी में शाम का टाइम, वो मान नहीं रही। तो मुझे उसे फिर डराना पड़ा कि शायद इस टाइप से वो मान जाएगी। तो यहाँ पर हमारा दिन का खाना है, पापड़ भून लिए हैं हमने और दाल रोटी चटनी है। तो हम अभी ऐसे ही सिंपल खाना खा रहे हैं। मैं सच बताऊँ तो मुझे दाल पसंद नहीं है, पर फिर भी मुझे खाना पड़ रहा है कि कुछ दिन खाने से शायद मैं ठीक हो जाऊँगी। तो मैंने यानी श्रेया ने दाल बनाई, मैंने बॉयल की थी, उसने छौंक लगा दी है, रोटियां मैंने बना दी थी और चटनी तैयार कर ली है। तो ये हमारा आज का खाना है और बहुत यानी कि हमने बोला कि फ्रूट खांसी के लिए ठीक है। हमने खाना बना लिया और अब खाने जा रहे हैं। आइए आप लोग भी खा लीजिए दाल रोटी पापड़ चटनी। दलिया मंगवाना था हमको, मालूम है दलिया खाते ना तो चावल की, बस श्रेया इतनी सारी चटनी नहीं, बहुत ज़्यादा चटनी लग गई। तो ये देखो हमारे ये चटनी हो गई है और ये दाल रोटी और पापड़, ये लो श्रेया की थाली भी लग गई है। अब श्रेया भी खा रही है, देखो श्रेया। तो फ्रेंड्स मुझे जैसे ही लगा कि मैं थोड़ा सा ठीक हो गई हूँ, मैंने सारे कपड़े निकाले यानी कि जो जो गंदे थे वो मैंने धुल के, और ये देखो कितने अच्छे से सूख भी गए हैं, तो सारे मैं रख दे रही हूँ। और इसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे फिर से फीवर आ जाता है, तो मैंने कुछ शूट नहीं किया था। मैं आप लोगों को मिलूँगी नेक्स्ट डे शाम को। ये 2 दिन का ब्लॉग है और आगे आप लोगों को कुछ कुछ देखने को मिलेगा। लगता है कि आज भी राधा श्याम से नहीं मिलेगी, मेहंदी लगाऊं किस नाम की। एक गोली सुबह शाम तो फैलेगा तो नहीं बोली। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा। मैं बॉटल में गर्म पानी रखी हुई हूँ।
थोड़ी थोड़ी देर में पी रही हूँ, सिकाई कर रही हूँ, घुटकने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हाँ बेटा क्या आपके पास दो मेडिकल का नंबर तो है? हाँ तो यहाँ पे श्रेया ने मैगी बनाई थी, कुछ ज़्यादा ही रख दिया, इतना तो नहीं खाएंगे, पहले ही मैं अलग कर दूंगी, थोड़ा सा लूंगी मैं। और यहाँ पर श्रेया भी खा रही है मैगी। तो फ्रेंड्स ये अभी मैगी ला करके रखी है, मेरे अभी कोचिंग ओवर हुई है और मेरे गले में बहुत दर्द है। मैंने ब्रेड खाई है और चाय, इतना सारा मैगी ला के रख दिया, पूरा तो मैं खाऊंगी नहीं, थोड़ा बहुत खाऊंगी क्योंकि दवाई खानी है मुझे, और फिर मैं वीडियो की एडिटिंग करूंगी। मैं श्रेया को बहुत सारी चीज़ें सिखाती हूँ बेटा, ऐसी चीज़ें। और मैं जब भी कोई फ्रूट या सब्जी लेने जाती हूँ, वो सामने देखती भी रहती कि मम्मी कैसे मोल भाव करती हैं, कैसे हिसाब किताब से चीज़ें लेती है, पर इसने आज लापरवाही कर दी। तो फ्रेंड्स अभी शाम का टाइम हो रहा है, श्रेया कोचिंग गई थी तो मैंने बोला था तुम कोचिंग जा ही रही हो तो एक काम करो, तुम ना वहाँ से फ्रूट लेकर आ जाना, क्योंकि ना थोड़ी सी कमजोरी कमजोरी सी लग रही थी, तो मैंने बोला फ्रूट लेकर आ जाओ, कुछ दिन खाएंगी थोड़ा थोड़ा तो थोड़ा ठीक लगेगा। मुझे लग रहा है ये जो सिरप मंगाई है ना मैंने, मुझे लग रहा है ऐसा, इसको पीने से मेरे गले में दर्द हो रहा है। मैंने जैसे ही इसको दिन में पिया था, मैंने बोली सारी दवाइयाँ तो खा ली है, सिरप को भी पी लूँ, ये सिरप से ना मुझे गले में दर्द तुरंत तेज बढ़ सा गया। और हमारी दवाइयों में कुछ दवाई ऐसी भी है कि जिसको खाने से मुझे जोर की नींद आने लगती है, और मैं बिना वीडियो का काम किए हुए सो गई तो नींद ऐसी नहीं आती कि बिल्कुल से सो गए, बेहोश टाइप के हो जाते हैं, होश पूरा रहता है, बार बार ख्याल आ रहा है कि 5 बज गए हैं, 5 से ज़्यादा हो गए हैं, वीडियो नहीं बन पाई है, मैं कैसे क्या करूँगी, मुझे कम्युनिटी पर पोस्ट करना होगा, यानी कि लग रहा है सो रहे हैं पर दिमाग में चल रहा है कुछ और, टेंशन चल रही है। फिर मैंने ना जैसे कि बोला था कि मैं च्यवनप्राश मंगाऊंगी, तो ये मैंने च्यवनप्राश मंगाया। अभी मैंने कुछ पूछा भी नहीं कि कितने का क्या आया, 500 दिए थे मैंने श्रेया को कि फ्रूट लेकर आना, आधा किलो सेब, आधा किलो अनार लेकर आना और एक च्यवनप्राश। अब श्रेया से पूछते हैं कि ये कितने का आया है पूरा, और मुझे बर्तन धोने हैं ढेर सारे क्योंकि आज मैंने बहुत सो लिया है, ये दवाई से इतना हो जाता है कि बहुत नींद आती है। अब श्रेया से पूछते हैं कि कितने का क्या सामान आया है। श्रेया उठो, चलो इसको नहीं करना, क्यों कर रही हो ये, बहुत सारे बर्तन हैं देख सकते हो, पूरा नीचे भी रखे हुए हैं, मैं धोऊंगी इसको, अलग करती हूँ, देखो बिना स्वेटर के ना लॉन्ग ढूंढने को बोला है, अब उतने बर्तन बोल रही हूँ मैं, इतने धो लूँ तो मैं छोड़ दूंगी, बहुत सारे बर्तन हैं जो कि धोले नहीं है, मैं जब ठीक होंगी तब तो धोऊंगी, मैंने बोली रखे रहने दो, कोई अपन को डांट नहीं रहा है, बर्तन क्यों नहीं धोए, धो लूंगी मैं, ठीक तो हो जाऊँ ना, ठीक होंगी, कल जैसे ही मैं ठीक हुई थी इतना सारा काम कर ली मैं, फिर बीमार पड़ गई, तो ऐसा क्या मतलब का कि भाई अपन ठीक होए और तुरंत लग जाओ अपने, यानी क्या बोलते हैं, मेहनत करने के लिए, ऐसे थोड़ी ना शरीर में रेस्ट करना होता है बीमारी के समय, काम पड़ा है कर लूँगी मैं, मैंने बोला था मैं अपना पूरा फिक्स करके रखी थी, मुझे इतना टाइम ये करना, हिम्मत कर करके मैं दो दो बर्तन करके रेस्ट कर लेती, दो बर्तन धोती फिर रेस्ट कर लेती, दो बर्तन, जब तक मेरे को ठीक नहीं लगेगा तब तक मैं नहीं कर पाऊँगी। हो गया श्रेया, मैंने गरम मसाला रखा था कहीं, हाँ ये डिब्बी में रखा हुआ है, कुछ इसमें भी रखा हुआ है, इसमें मुझे ना लौंग ढूँढना है, लौंग अदरक दवाई बना के दे रही है। हो गया, छोड़ छोड़, हाथ धो, हाथ धो जल्दी से, हाथ धो, हाँ स्वेटर पहन, क्या फुर्ती से क्या, चलो स्वेटर पहन जल्दी से, ज्यादा होशियारी नहीं हमसे, अभी तक धुल गया। मैंने तुझे किचन में क्यों भेजा था ये बता पहले, क्यों भेजा था मैंने, लौंग और शहद के लिए ना, कि लौंग डब्बे से पूरी लौंग देख ले और शहद ढूंढ ले, भगवान जी क्या शहद बड़ी आई, अब मुझे पैसों का हिसाब बता बेटा, क्या क्या कितने का कैसा लाई है, हाँ हाँ
400 का क्या ले आई? ये 400 का क्या ले आई? ये कितने का आ गया? 7 prices of fruits. फ्रूट्स कितने के आ गए? 180. इतने महंगे फ्रूट? तीन सेब, चार सेब और तीन वो कितने, कैसे रुपए किलो? आधा किलो. नहीं तो कैसे रुपए किलो चल रहा था? सेब कैसे रुपए किलो था? 60 रुपए किलो सेब था. ऐसे ही था, मगर उन्होंने टोटल करके मुझे बताया था. 60 रुपए किलो सेब था, 30 रुपए को लोग 30 का आधा किलो सेब होगा तो 170 रुपए या 180 रुपए के फ्रूट्स आ गए थे. तो मैं बोल रही थी श्रेया, मैंने 500 दिया था, उसमें से 100 ही वापस आया. तो मैं एकदम से शॉक्ड हो गई कि भाई इतना क्या लेकर आ गई. तो उसकी भी गलती नहीं है. अब भाई जिसने उसने जितना दिया, बस मैं ये बोल रही थी कि बेटा पता होना चाहिए कि कैसे रुपए किलो क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से हमको भी पता चल जाएगा. अब वो बता नहीं रही कि कितने रुपए किलो क्या चल रहा था. बस आधा आधा किलो ले आई इसने वहाँ पर बोला, वो सामने वाले ने तौल दिया और दे दिया और पैसे ले लिया. तो ये हुआ था. तो मैं बस यही बोल रही थी कि बेटा अपन को पूछ लेना था कि अपन कितने का सामान है, यानी कितने का सेब और अनार है, उस हिसाब से तुम फ़ोन लेकर भेजा था. और ये कोचिंग गई थी तो मैंने बोला अगर तुम कोचिंग जा ही रही हो तो इतना सामान ले आना, अपन फ्रूट खा लेंगे. सेब मैंने देखा है कि सेब खांसी के लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए मैंने सेब मंगवाए थे. और मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस कारण से मैंने अनार मंगवाया था. कि अनार तो मैं उसको नहीं देती, पर मैं अनार ले लेती और उसे सेब दे देती ऐसा. और च्यवनप्राश मंगवाया था उसकी खांसी के लिए. अभी हम लोग यहाँ पर लौंग, मैंने किचन में मैंने लौंग ढूंढने के लिए भेजा था कि लौंग और शहद ढूँढो, मैं तुम्हें कुछ बना के दूँगी दवाई, तो उससे तुम्हें राहत मिलेगी. वो मैडम श्रेया दीदी जा कर के बर्तन धोने लगी. मुझे गुस्सा आया. थोड़ी देर मैंने बोला चलो ये मान जाएगी, पर वो हट ही नहीं रही, मान जी रही. तो मैंने बोला कि यार अब मुझे कुछ करना होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा गुस्सा हुई थी उसमें कि ये शायद डांटने से हट जाएगी. फिर बड़ी मुश्किल में हटी. अब खांसी चल रही है, ठंडे ठंडे पानी से तू बर्तन धो रही है, तो मुझे थोड़ा सा वो लगा था, इसलिए मैं उसे वहाँ से जस्ट ऐसे हटाया मैंने. अब मुझे ढेर सारे मैं बर्तन धोऊँगी और मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो मेरी केयर करती है, मैं उसकी केयर करती हूँ. वो सोचती है कि मम्मी को तकलीफ़ ना हो, और वो देख रही है कि मम्मी को बार बार चक्कर आ रहे हैं आजकल. मैं जैसे ही उठती हूँ मुझे कुछ ना कुछ होने लगता है, पता नहीं क्यों ऐसी एकदम से कमज़ोरी आ गई है. हम लोगों को जल्दी से ठीक होना पड़ेगा, और मैं ठीक नहीं होंगी तो प्रॉब्लम बन जाएगी. कैसे मैं कर पाऊँगी सारा कुछ काम? मुझे घर भी देखना है, अर्निंग भी करनी है ना. तो यहाँ पर हमने उसको च्यवनप्राश दिया कि ऐसे खाना है कि गले में थोड़ी सी राहत मिले, धीरे धीरे खाना है. तो वही मैं बता रही थी उसे, और मैंने भी थोड़ा लिया था क्योंकि मुझे भी गले में दर्द है. तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी बातों को आप लोग समझे होंगे. कमेंट्स करिएगा क्या मैं ठीक हूँ. तो मिलेंगे आप लोगों को कल, तब तक के लिए बाय.